अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपको हमेशा खुशियाँ अता फरमाए और खुशी रखे। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये गाड़ी है 2012 मॉडल या 14 मॉडल टोयोटा करोला। इस गाड़ी में एरर ये आ रहा है, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है। वो कहते हैं कि जब गाड़ी खड़ी हो ना उस टाइम जो है ना कूलिंग में फ़र्क होता है, जब गाड़ी रनिंग में हो ना उस टाइम जो होता है ना हल्की फुल्की जो है कूलिंग बढ़ जाती है, ऐसे ही है ना। और वो कहते हैं कि बाहर जो इसका सेक्शन वाला पाइप है ना वो बिल्कुल ठंडा होता है और अंदर जो है ना वो कूलिंग सही तरह से नहीं होती। और बलोर की स्पीड किस तरह होती है हवा? बलोर की हवा भी सही होती है? अभी जो है इग्निशन ऑन करके सेल्फ लगा के ना चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, जैसे दो पर हवा होनी चाहिए थी ना बलोर की, उस तरह नहीं है। ठीक है, बलोर की जो हवा है उस तरह नहीं है। और अभी तीन और चार पर करते हैं। तो अभी आप एसी चला के आए थे? हाँ। अगर ये एसी चला के ना आते ना, बहरहाल फिर भी हम इसका जो है एसी का बटन ऑन करते हैं। जैसे ही बटन ऑन करेंगे, अगर इसके एवापोरेटर फ्रीज़र के अंदर मिट्टी होगी ना, ये हमें मिट्टी वाली स्मेल देगा। तो आप इसी तरीके से भी ना चेक कर सकते हैं कि फ्रीज़र जो है वो डर्टी है या क्लीन है। अभी करते हैं, एसी ऑन कर दिया हमने, अभी जो है ये हमें स्मेल देगा। आपको ऐसे समय लाती है जब पहली दफ़ा चलाएं दिन में, फर्स्ट टाइम जब एसी का बटन आ गया, समय लाती है मिट्टी वाली? ठीक है, वो कह रहे हैं कि मिट्टी वाली समय लाती है। अभी हम इसको गैस लगाते हैं बाहर, देखते हैं कि इसमें गैस वगैरह कंप्लीट है कि नहीं। आप सब दोस्तों से मेरी एक काइंडली रिक्वेस्ट है, मेरे फैमिली मेम्बर का एक व्लॉग चैनल है, अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया है व्लॉग चैनल वीडियोज़ बनाना। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वीडियो को लाइक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, चलें उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। और ये आप सबकी मोहब्बतें और प्यार है कि आप हमारी वीडियो को भी लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अभी इसको गेंद लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या सीन है इसका। अभी ये इंजन कंपार्टमेंट की मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूं, और जो कंप्रेसर है ना इसमें जो लगा हुआ है ना, टेरेस का कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, इस कंप्रेसर की जो कूलिंग होती है ना वो माशाल्लाह से बेहतर होती है। तो इधर जो है ना ये इसका सेक्शन वाला पाइप है, सेक्शन वाला जो पाइप है वो भी माशाल्लाह से फिट ठंडा हो रहा है। ठीक है, और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं इसको 1.5 से 2 मिनट हुए हैं, ये पानी है मेरे हाथ पर। ठीक है, और माशाल्लाह से इस पाइप की सिचुएशन भी देख सकते हैं, पाइप के ऊपर भी पानी है। ठीक है, ये पाइप के ऊपर भी पानी है और जो इसका ड्रेन पाइप है ना एवापोरेटर का, वो आप देख सकते हैं वो भी पानी निकाल रहे हैं। तो अभी इसको गेज लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अभी गेज ओपन करते हैं। ठीक है, मैं अभी इस गेज के जो अडाप्टर हैं वो लगा लूँ लाइनों पर, फिर ना मैं वीडियो जो है वो मतलब कि प्ले करता हूँ। ये आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको जो गेज हैं वो मैंने लगा दिए हैं। ये जो गेज है ना लो प्रेशर वाली गेज है। ठीक है, ये हमारी लगती है सेक्शन वाले पाइप पर, जो हमारा पाइप ठंडा होता है। ठीक है, और ये है हमारी हाई प्रेशर गेज। ठीक है, ये वाली, ये हाई प्रेशर गेज है, और ये जो हमारी लगती है ना लिक्विड लाइन पर भी लगती है और जो है डिस्चार्ज साइड पर भी लगती है। और ये सिचुएशन है अभी इसकी। तो अभी हालांकि इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं, जो हमारी लो गेज है ना इसको 20 और 25 पर काम करना चाहिएगा, जैसा कि इसका कंप्रेसर है। ठीक है, मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे तकरीबन मेरे ख्याल में कोई साल या 1.5 साल हो गया है कि मुझे ना एसी चेक करके दो। कभी मेरे पास टाइम होता तो इनके पास नहीं होता था, ये बिज़ी होते थे। अच्छा, कभी ये फ्री होते तो मैं बिज़ी होता था, ऐसे ही है ना बिल्कुल। तो अभी जो है ना आज इसका जो भी मसला है ना, जो भी एरर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना क्लियर करने लगे हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक के हुक्म से। अल्लाह पाक से अच्छी की उम्मीद है तो इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद होगी। तो अभी जो है ना इसमें जो गैस की मुझे पोजीशन लग रही है ना वो हल्की सी कम लग रही है। ठीक है, इसका जो ग्लास है ना वो आप देख सकते हैं, इसमें जो है अभी बबल्स नहीं बन रहे। जैसे हम इसमें गैस, मेरे ख्याल में 40 से 50 ग्राम हम गैस इसमें फिल करते हैं ना, इसमें बबल्स भी बनेंगे और जो हमारी सेक्शन वाली गेज है वो भी नीचे आएगी। और अंदर जो इसका बलोर की जो फ़ैन की स्पीड वो कम है और थोड़ी सी मतलब कि कूलिंग में कमी है ना, वो इसका जो है ना हम फ्रीज़र चेक करते हैं, फ्रीज़र जो बलोर है ना वो क्लीन ही कर लेते हैं, फिर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे आप 22 तक चले जाएं। ठीक है, 23 मॉडल तक चले जाएं टोयोटा करोला के। तो बग़ैर डैशबोर्ड खोले ना आप इस गाड़ी का जो फ्रीज़र है और बलोर है ना वो साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सारा प्रोसेस है ना कंप्लीट।
मुकम्मल जो तरीकाकार है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसकी लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड पे जो इसकी टोकरी है ना, ये ग्लव बॉक्स जो है ना, इसको इस तरह से आप पकड़ेंगे, ठीक है ना। इधर इसका एक चेक वगैरह होता है, वो नहीं है, ठीक है ना। और ये केबलें ऊपर करो यार, ठीक है। केबलें हमने दूसरी साइड पर कर दी हैं और इसको भी पिछली साइड पर रखेंगे फ़िलहाल, ठीक है। और ये जो है ना इसके बलोर की लोकेशन है। एक और वीडियो भी थी जिसमें हमने इसका फ्रीज़र जो है वो रिप्लेस किया था, क्योंकि हम कंप्रेसर रिप्लेस करने लगे थे ना बाहर, हमने फ्रीज़र को खोला था, उसमें पेट्रोल वगैरह डाल के ना उसको क्लीन किया था। तो वो भी मैं भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो मेरे फैमिली मेम्बर की वीडियो का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बरह मेहरबानी दोनों वीडियोज़ को आप देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। और ये जो है ना, पहले इसका ये बोल्ट ओपन करेंगे 10 का, ठीक है। उसके बाद ये 10 का बोल्ट ओपन करेंगे और ये जो कवर है ना ये इस तरह रिमूव करते हैं, ठीक है। ये कवर रिमूव हो गया और यहाँ पर भी इसके ना नट बोल्ट हैं। ये एक 10 का बोल्ट है, एक 10 का बोल्ट वो है, और एक 10 का जो नट है ना ये है, ठीक है ना। तो ये जैसे हम रिमूव करेंगे, पहले ये हवा वाला कवर जो है ना ये रिमूव कर लेते हैं। औजार लेकर आओ यार। ये जो आप BCM देख रहे हैं ना, इंटरनल BCM, तो इसका भी ये बोल्ट जो है ओपन होगा, और नीचे एक बोल्ट है दरमियान में, ये वाला जो बोल्ट है ये भी ओपन होगा। फिर जो है हम ये कवर शवर जो है ना, ये मैट वगैरह ये हम हटा लेंगे, तो फिर बलोर को जो है ना खींच लेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये जो इसका बलोर का कनेक्टर है ना, बलोर कंट्रोलर फैन कंट्रोलर रिले, ठीक है ना, इसको रजिस्टर भी बोलते हैं और इसको, ठीक है ना, शायद कि कुछ और बोलते हूँ, अभी मेरे जहन में नहीं है। इसका भी कनेक्टर हम रिमूव करेंगे। ये जो बलोर का कनेक्टर लगा हुआ है ये भी अभी मैं रिमूव कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। ये रिमूव कर लिया है, अभी ये जो है ना ये रिमूव कर लेते हैं। ये लॉक आप प्रेस करेंगे इधर और नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये जो है ना नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ गई है और इधर इसका एक लॉक होता है, ये एक लॉक है, आप देख सकते हैं इधर से। आपने इसको हल्का सा मतलब कि दोनों साइडों से ना मूव करना है और ये भी निकलना है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे साइड में। पहले ये जो मैट है ना इसके ऊपर पानी गया हुआ है, इसको हम हटा लेते हैं ख्याल से, ठीक है। फिर जो है सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो है ना, पहले हम इसका ये 10 का बोर्ड खोल लेते हैं, ठीक है। आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ना बिल्कुल कंप्लीट वीडियो जो है ना वो शेयर करते हैं, ठीक है। आप टोयोटा करोला नाव से लेकर 2023 तक ना किसी भी मॉडल का, मेरे ख्याल में जो टोयोटा कैमरी है ना उसका भी आप मतलब कि नीचे से जो है ना फ्रीज़र जो है एवापोरेटर वो क्लीन कर सकते हैं। अभी जो है BCM का हम खोलते हैं, तो इधर जो चार्मो वाला सेक्रेट ड्राइवर है ना वो भी लग जाता है, ठीक है। ये जो है ना इसका सेक्रेट खोल लेते हैं, ये खोलिए अभी हमने। ये जो मेरे ये जो क्या कहते हैं बोल्ट है ना ये 10 के, ठीक है ना, ये आपके सेक्रेट ड्राइवर से ही खुलेंगे। ये भी अभी हमने खोल लिया और BCM का जो नीचे वाला है वो खोलेंगे। तो जब आप काम करें ना, काम बिल्कुल आप माइंड सेट करके किया करें। बाद ऐसे भी होते हैं कि इंसान ऐसे ज़ोर लगाता है कोई बोल्ट वगैरह नट वगैरह खोलने में ना, तो पता ही नहीं चलता कि नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, कोई कनेक्टर है वो टूट जाता है, कोई वायर ब्रेक हो जाती है, बाद में जो है ना वो गाड़ी भी फिर स्टार्ट नहीं होती, फिर ऑनर जो है ना वो भी नाराज़ हो जाते हैं। चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका रिश्तेदार हो, अगर आप उसका काम अच्छा करेंगे तो वो मतलब कि आपको अच्छे अखलाक के साथ पेश आएगा। जब आप उसका काम ही अच्छा नहीं करेंगे तो आप मतलब कि कैसे उसके रिश्तेदार और कैसे उसके दोस्त, उसका मूड भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, वो आपको फिर लिफ्ट भी नहीं कराएगा। तो आजकल जो है ना सारा कुछ जो है ना इंसान के ऊपर ही है। ये बोर्ड भी खुल गया है, ये जो है ये बोर्ड अभी खोल रहे हैं, ठीक है ना। ये इसका बोल्ट है, ये अभी खोल लिया। ये जो बलोर के है ना ये बड़ा नट मैं खोलने लगा हूँ अभी, इधर करो यार। ये जो वायरें हैं ना ये मेरे ख्याल में फॉग लाइटों की वायरें हैं, ठीक है। आगे फॉग लाइट लगी हुई है ना, इधर से उन्होंने जो है वायरिंग को क्रॉस किया है। ये नट भी खुल गया। अभी जो है ना एक हमारा रह रहा है BCM का, फिर ये मैट मैं हटाता हूँ। और एक और कनेक्टर भी है, ठीक है, एक और कनेक्टर भी है, ये भी खुल गया BCM का। तो पीछे करो यार, इधर करो, इधर ठहराओ इसको। ये जो है ना BCM को आप इस तरह आगे की तरफ खींचेंगे,
आगे की तरफ खींच के ना, ये जो इसकी नीचे है ना, क्योंकि यहाँ पर बोल्ड लगा होता है यहाँ पर नीचे, तो इसको साइड पे करेंगे, फिर जो है ना आप ब्लोअर को बाहर निकालेंगे तो ब्लोअर बाहर आएगा। पहले जो है इसका कनेक्टर भी मैं साइड पे कर देता हूँ अंदर की तरफ, ताकि ये जो कनेक्टर है ना ये फिर मतलब कि रुकावट ना बने। अभी जो है इसका ये वाला कवर जो है ना ये रिमूव करेंगे, ठीक है, ये कवर रिमूव करेंगे, पीछे में इनको ना सीट पर रख दूंगा, और ये वाला जो कवर है ना ये भी रिमूव हो गया। अभी जो है ना ये मैं बोल्ट वगैरह उठा लूँगा, इसको रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको रख दिया यहाँ पर, हज़ारों को ऊपर रख देंगे सीट के ऊपर। ये जो मैट है ना ये यहाँ से हटा लेंगे, और इसके नीचे एक फोम भी है, ठीक है, ये इधर इसको फिर इसकी जो है ना फिर एडजस्ट हो जाएगी, इसका कोई सीन नहीं है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती ना इस कनेक्टर की। ये जो फोम है ना इसको भी हटा लेंगे हम, इसके अंदर ऐसे हम सिक्योरिटी ड्राइवर डालेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, ये जो हमारा फोम है ना ये भी बाहर आ गया है, पीछे की तरफ रहते हुए, ठीक है, और इसको जो है ना हम पहले ही कर लेते हैं सेट, ठीक है ना, ये हो गया सेट। तो अभी जो है ना इसका एक एग्जास्ट का कनेक्टर है, जैसे मैं इसको हल्का सा ब्लोअर को नीचे निकालूंगा, ये जो एग्जास्ट का कनेक्टर है ना वो फिर मैं निकाल के फिर ब्लोअर को बाहर निकालूंगा। इधर पकड़ के ठहरो यार, ठीक है, हो के आए आप शहर से, यहाँ पर हाथ डालेंगे, ठीक है ना, इसके लॉक निकाल लेंगे, इसके लॉक निकाल लेंगे, और फिर इधर से जो है ना इसको भी साइड पे कर लेंगे आप, ये भी साइड पे हो गया इधर से, ठीक है, और यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये अब सारे जो लॉक है ना वो निकल आए हैं। अभी जो है ना ये हमारा जो लॉक है ना ये मेन होता है, जैसे ही आप इसको मतलब कि हटाएंगे ना तो आपका जो कनेक्टर है ना ब्लोअर बॉक्स है ना वो बाहर आ जाएगा। ब्लोअर बॉक्स में ना अभी बहुत सारी मिट्टी है, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया है ये जो है हिला है ना हल्का सा, तो इसमें ना काफ़ी सारी जो है ना मिट्टी वगैरह निकली है, और ऊपर जो है ना इसके मतलब कि शॉपर वगैरह भी आए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये शॉपर वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ब्लोअर डर्टी होने की वजह से, एवेपोरेटर डर्टी होने की वजह से ना ये सारा सीन है। पकड़ के ठहरो यार, इसको अभी मैं थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ करूँगा, जैसे ही इस लॉक से निकल आया है, ठीक है, इस लॉक से निकल आया है, अभी जो है ना इसका एग्जास्ट वाला जो कनेक्टर है ना वो मैं निकालूँगा। इधर करो यार, ये इसका एग्जास्ट वाला कनेक्टर है, अभी भी ये थोड़ा सा नीचे हो रहेगा, ठीक है ना, ये नीचे आ गई है, ठीक है ना, ऐसे मैं हाथ डालूँगा इधर, और पीछे जो हीटर के पाइप है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा दूर होता है लेकिन हाथ पहुंच जाता है यहाँ तक, ठीक है, ये जो इसका कनेक्टर है ना ऊपर कर यार, ये इसका कनेक्टर रिमूव किया इधर से, रिमूव हो गया, अभी पीछे करो कैमरा, यहाँ पर रखो इसको, ठीक है, अभी ये जो वायरें हैं ना इनको अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये रुकावट बन जाती है ना, तो इसको अभी बिल्कुल एहतियात से निकाल लेंगे हम, और ये भी जो वायर है ना ये नीचे फंसी हुई थी, ये जो है ना अभी इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से ना ये फंसा पड़ा है, ठीक है, इसको अभी मैं आगे की तरफ करूँगा। ये जो मेरा ब्लोअर बॉक्स है ना, अभी कनेक्टर जो है ना कहीं प्लास्टिक वगैरह में या लॉक वगैरह में ना फंसी है, ठीक है, ये आ गया हमारा जो ब्लोअर बॉक्स है ना वो बाहर आ गया है बिल्कुल ओके, ठीक है, ना ही कोई वायर डैमेज हुई है, ये इसकी सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, इसमें ना काफ़ी सारी मिट्टी होती है, ये शावर है इसमें भी, ठीक है, वो नीचे भी पड़े हुए हैं, ये आप इसमें मिट्टी वगैरह देख सकते हैं, ये जो चूहों का गंध है ना ये आप देख सकते हो, मैं मज़ीद नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ क्लियर, ठीक है, ये गंध है, तो कैसे कूलिंग आती है, वो कहते हैं बाहर सेक्शन वाला जो पाइप है वो ठंडा होता है, हल्की फुल्की जो गैस कम थी वो भी हम चार्ज करेंगे, इसका जो ब्लोअर है और इसका जो एवेपोरेटर है वो अच्छी तरह वॉश करेंगे, तो इंशाल्लाह गाड़ी जो है ना लेवल कूलिंग करेगी,
फिर जो गैस है ना, गैस अभी लगी हुई है, फिर भी मैं आपको ना चेक करवाऊंगा। हटा लो यार इसको। और ये है इसका क्या कहते हैं, एवापोरेटर। इसको फ्रीज़र भी बोलते हैं, एवापोरेटर भी बोलते हैं और कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, सही है। ये आप इसका गंद वगैरह देख सकते हो, ये ऊपर भी काफ़ी सारा गंद वगैरह है, ठीक है। ये जो है ना एग्जॉस्ट है इसका, और ये जो है ना इसका फ्रीज़र है। तो फ्रीज़र में आप देख सकते हो काफ़ी सारी मिट्टी है। फ्रीज़र की जो फर्स्ट साइड है ना, वो बिल्कुल जो है ना मिट्टी से भरी हुई है। अभी जो है ना इसको क्लीन करते हैं, फिर ना मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन है। ये आप देख सकते हो मिट्टी है इसमें काफ़ी सारी। अभी जो इसको है ना बुरश और सर्फ की मदद से ना साफ़ करेंगे, फिर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो इसका ब्लोअर, अभी ब्लोअर वाली मोटर जो है ना, ब्लोअर फैन जो है वो अभी हम इसका ना ओपन करने लगे हैं, ठीक है ना। खोलो यार इसके ये जो बोल्ट है ना, ये जो पेच हैं खोलो, ठीक है। ये इसके तीन इसके पेच होते हैं, ये आप जैसे ही खोलेंगे इनको, एक मुंह वाला सेक्रेट ड्राइवर है वो भी लग जाते हैं, और स्टार एल की साइड जो है ना वो भी लग जाता है, ठीक है। बड़ा पेच कैसे लगा लो यार, ठीक है। ये अभी जो है ना ओपन हो जाएगा, इसमें काफ़ी सारा ना गंद वगैरह है, ठीक है, जिसकी वजह से एक ब्लोअर फैन की जो स्पीड थी ना वो कम थी, और फ्रीज़र जो है वो भी डर्टी था, उसके ऊपर भी मिट्टी वगैरह थी। वो भी आपको मैंने चेक कराया है, जब क्लीन करेंगे तो फिर भी आपको इंशाल्लाह चेक कराएंगे दोनों चीज़ें, तो इंशाल्लाह जो कूलिंग है ना वो बढ़िया होगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना इसका ब्लोअर निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। इसी तरह से ना इसका ब्लोअर बाहर निकालते हैं, ये सीन है। ब्लोअर में भी मिट्टी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है यार। इसको नहीं लाओ, इसको ऐसे पकड़ के रखो। अभी मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ, ये आप देख रहे हो इसमें भी काफ़ी सारी ना मिट्टी है, ठीक है। और ये सिचुएशन है इसकी, ठीक है। तो ये कैसे कूलिंग करता है, और इसका जो फिल्टर निकालो भाई यार, फिल्टर निकालो तेरी, ठीक है। और ठीक है ना, इसमें भी काफ़ी सारी मिट्टी है, ये आप देख सकते हो मिट्टी जमी हुई है। तो इसका फिल्टर अभी रिप्लेस करेंगे हम, न्यू लगाएंगे, ठीक है। ये टिशू वगैरह आए हुए हैं, इसके बोर्ड खोलो यार। ये जो डंपर मोटर है ना, ये हम रिमूव कर देंगे, फिर इसको हम पानी के साथ धोएंगे। ये जो बॉक्स है ना, इसको पानी के साथ प्रेशर के साथ धोएंगे, सर्फ लगाएंगे इसको। ये जो इसके फोम है ना, इनका ख्याल रखेंगे, ये जो फोम है ना ये मतलब कि ख़त्म ना हो जाए, ये क्या कहते हैं, कट ना हो जाए। फ्रीज़र साफ़ करने के लिए ना, ये जो अभी है ना सर्फ हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे सर्फ बनता है तो इसका जो फिर फ्रीज़र है ना वो वॉश करते हैं हम। ये जो डंपर मोटर है ना, ये हमने रिमूव कर दी है। जब आप इसे वॉश करते हैं ना, या ये मोटर फिट करते हैं, तो बाज़ दफ़ा इसका ये जो लॉक है ना, ये जो लॉक है ये टूट जाता है, ये जो लॉक है ये टूट जाता है। अभी जो है ये पूरी तरह से आप देख सकते हो, ये नहीं चल रहा, ठीक है ना। अभी जो है ना गया है, पहले जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम घुमाया है ना, तो ये घूम नहीं रहा था सही, और ये मतलब कि इसमें गंद वगैरह निकले, और अभी इधर भी है, ठीक है ना। सूरत हाल बहुत ही गंदी है, इसको साफ़ करके हो यार पानी के साथ ना अच्छी तरह। ये जो फोम है ना, इनका ख्याल करना, धो के हो इसको पानी के साथ। ब्लोअर जो इसका है ना, वो हम खुद ही धोएंगे, साफ करेंगे। ये जो है ना डियर फ्रेंड्स, ये अभी हमने इसका क्या कहते हैं सर्फ वगैरह बना लिया, ठीक है ना। तो अभी जो है इसका फ्रीज़र साफ़ करते हैं, और इसके फ्रीज़र साफ़ करने के ना ये एक ही मतलब की सिचुएशन है, ठीक है ना। ये एक ही प्रोसेस है, और इसी के साथ ही मतलब कि फ्रीज़र साफ़ होते हैं, ठीक है। इस तरह लगाएंगे, फिर एक बड़ा बुरश लेंगे, बड़े बुरश के साथ ना आप इसको वो करेंगे, क्लीन करेंगे। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना, जैसे मैं इसको 5 से 10 मिनट में इसको क्लीन करूंगा ना, फिर अगर मेरे पास बड़ा बुरश होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैं ना दो पतली जो लकड़ियाँ है ना वो बांधूंगा, लकड़ियाँ लगा के ना इतना बड़ा करके इसको, इतना बड़ा करके थोड़ा इतना बड़ा करूँगा मैं बुरश को ना, इतना बड़ा करूँगा लकड़ियाँ लगा के, ठीक है। जो मेरा बुरश है ना वो मतलब कि आखिर तक जाए, तो फिर मैं आपको वो भी चेक कराता हूँ। अभी यहाँ पर मैं वीडियो पास करता हूँ, पहले मैं जो इसकी मेरे वाली साइड है ना, जो मतलब कि गरीब वाली साइड है, उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर हम इसको बड़ा करेंगे बुरश को, उसके बाद जो है ना हम आखिर तक लगाएंगे, और जो फ्रीज़र है ना वो क्लीन करेंगे। इसी तरह आप देख के ना,
इसको लगा सकते हैं, ठीक है, बुरश लगा सकते हैं कहाँ पे ना मिट्टी है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी है, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो लगा रहा हूँ। ये जो मिट्टी है ना, जैसे ही पानी लगाएंगे तो ये जो है ना क्लीन हो जाएगी। इसकी जो फंगस है ना, जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसकी जो जालियाँ हैं वेपोरेटर की, वो मतलब कि टेढ़ी नहीं होंगी। तो बुरश जो है ना वो नरम जालियों वाला हो तो उससे ना ये साफ हो जाती है। अभी मैं इसको पानी लगाऊंगा तो ये जो है ना क्लीन हो जाएगी। ये जो इसका बलोर है ना, आप इसको इसी तरह क्लीन कर सकते हैं। एक एक बार को आप बारी बारी बुरश लगाएंगे सर्फ के साथ, ठीक है। ये जो है ना आप देख सकते हैं ये क्लीन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ना आप सबको क्लीन कर सकते हैं। ये अच्छी तरह क्लीन हो गया, फिर पानी लगाएंगे तो बिल्कुल चमक जाएगा। ये देखें, इसको भी हमने क्लीन किया है सर्फ लगा के, ये देख सकते हैं। अभी जो इसका है ना रजिस्टर हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं चला। अभी जो रजिस्टर है ओपन कर रहे हैं, ये ना हो कि पानी लगाने से ना ये इसका काम तमाम हो जाए। अभी ब्लोर आप देख सकते हो, इधर करो ब्लोर पे। ब्लोर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है, ठीक है। बाकी एक से दो पर इसके रह रहे हैं तो ये ओके हो गया। पहले इसको कपड़े के साथ साफ करो। ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा मोटर में, ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल नीचे आएगा, इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा। बंद करो, क्लीन हो गया। ये आप देख सकते हैं इसका ब्लोर भी हमने अच्छी तरह क्लीन किया है, ठीक है ना। और ब्लोर बास दिखाओ यार, ये ब्लोर मोटर और फैन जो इसका है क्लीन किया है हमने अच्छी तरह। ब्लोर बास दिखाओ, ये भी क्लीन हो गया है। ये जो है ना डियर फ्रेंड, ये इसका ड्रेन पाइप था, ठीक है ना। इधर रबड़ था, वो रबड़ मैंने रिमूव किया, एक रबड़ वो है, ठीक है। इसको रिमूव करूँगा फिर मैं फ्रीज़र को पानी लगाऊँगा, नहीं तो जो पानी था ना वो इधर मतलब कि जमा हो जाता। अभी दिखाओ यार पाइप, तो जैसे मैं कहूँ ना, जब मैं कहूँ तो ऑन करना मोटर, ठीक है। अभी जो है ना इधर मैं पानी लगाऊंगा अभी। हाँ यार, बंद करो। ये है ना इंशाल्लाह अभी जो है ना ये साफ हो गया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे बैठा हुआ था, पानी भी आ गया मार्च करके ना नीचे। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फ्रीज़र जो है ना अभी क्लीन है, ठीक है। ये आप देख सकते हो फ्रीज़र जो है अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन है। ये देखो आप फ्रीज़र थोड़ा सा वीक है ना, इसी वजह से आपको लग रहा है इस जगह पर ना इसकी फंगस नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना क्लीन है बिल्कुल, लेवल क्लीन कर दिया है। अभी जो है ना इसकी फिटिंग करते हैं। मुझे जो है ना डियर फ्रेंड्स हल्का सा फील हुआ है कि जो इसका एवेपोरेटर है ना वो एक जगह से जो है ना वो सही तरह से मतलब कि साफ़ नहीं हुआ, ये आप सामने देख रहे हो। तो अभी मैंने इसे दोबारा सर्फ लगाया है, सर्फ लगा के ना अभी दोबारा मैं इसे है ना पानी मारने लगाऊँ ताकि ये जो यहाँ से है ना ये क्लीन हो जाए। ठीक है, तो ये जो बुरश था ना, ये बुरश जो है ना इस पर हल्का सा आयल लगा हुआ था जिसकी वजह से वो निशान पड़ गया, वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी इधर जो है ना एक और बुरश लगा कर ना इसे साफ़ करते हैं। ये अभी बुरश मैंने और लिया है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था ना, ठीक है। उस जगह को फिर अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। वो जगह अच्छी तरह से क्लीन होगी तो फ़ायदा है, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अभी इस जगह को ना अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, यहाँ पर ना कोई डस्ट वगैरह ना रहे। दूसरी दफ़ा मैंने इसको क्लीन किया है, ये आप देख सकते हो अब बिल्कुल ओके क्लीन है, ठीक है ना। अभी मैंने इसे और पानी लगाया है
साफ़ किया है, तो अब माशाल्लाह जो है ना वो टनो टन है, ठीक है ना। वो जैसे आयल का एक धब्बा लगा था ना, वो भी साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फ्रेश है। अब जैसे ही मेरा दोस्त एसी का बटन ऑन करेगा ना तो जम जाएगा, सही है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जो इसका ब्लोअर मोटर ब्लोअर बॉक्स था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिट कर दिया है फ्रीज़र क्लीन करके। जो इसका एग्जास्ट वाला कनेक्टर था ना, जैसे हम इसको फिट करने लगे थे तो वो भी मैंने मतलब कि हार्ड डाल के ना उसको लगा दिया था। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग में, ठीक है, कोई 19-20 नहीं है। सारे बोर्ड ये लगे हुए हैं, ये नट भी लगा हुआ है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, एक इधर होता है। ये आप ऊपर देख सकते हैं इसके बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड देख सकते हैं जो हमने इसके ओपन किए थे, ठीक है। सारे बोर्ड लग चुके हैं और ये जो कवर है ना, ये कवर भी लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसकी ग्लव बॉक्स टोकरी लगा के ना ब्लोअर ऑन करते हैं, ठीक है ना, फिर चेक करते हैं कि क्या सीन है। उम्मीद तो काफ़ी है इंशाल्लाह, क्योंकि जो एरर था वो क्लियर हो गया है। अब जो गाड़ी है उसने मतलब कि ब्लोअर की जो हवा है वो भी फुल रहेगी और मतलब कि फ्रीज़र भी जो है ना वो लेवल कूलिंग करेगा। अभी ना मैं आपको इसकी जो है ना ब्लोअर की हवा चेक करवाता हूँ। गाड़ी को पहले सलफ मार लूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं आपको ब्लोअर की हवा चेक करवाता हूँ। ठीक है, अब माशाल्लाह जो है ना लेवल हवा, ये आप अभी देख सकते हो, पहले इस तरह की जो थी ना वो हवा नहीं थी, ठीक है। अभी जो है ना ये घूम ही रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। हवा की स्पीड चेक करो यार इधर से, कैसे है अभी? अभी ठीक है, पहले कम थी, ठीक है। अब माशाल्लाह अभी मेरे जिगर फरमा रहे हैं कि अभी जो है ना हवा बिल्कुल ओके है। अभी जो है इसका क्या कहते हैं, इसमें गैस चार्ज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर जो है ना इसका एसी ऑन करते हैं। सिलेंडर लेकर आओ यार गैस वाला। ब्लोअर की स्पीड जो है ना मैं अभी दो पर कर देता हूँ, ठीक है, और इधर से भी जो है ना हवा की स्पीड सही है। यार फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं जितनी एक देर मैंने इसका ब्लोअर फैन मोटर और इसका एवेपोरेटर फ्रीज़र मैंने क्लीन किया है ना, उस टाइम से जो इसका एसी था ना वो क्लोज था, ठीक है। गाड़ी को सेल्फ भी नहीं लगा, अभी गाड़ी को सेल्फ लगाया था लेकिन हमने एसी ऑन नहीं किया। तो आप देख सकते हैं जो इसकी गेज है वो 90 PSI पे है, ठीक है। तो आप मतलब कि जान सकते हैं कि इसमें मतलब कि जो गैस है ना वो थोड़ी सी कम है। जैसे अभी मैं गैस चार्ज करता हूँ, सेक्शन वाला जो पाइप है उस पर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा नमी आएगी पहले से, बहुत ज़्यादा। और जो कंप्रेसर है वो ट्रिप भी करेगा, पहले कंप्रेसर जो है वो ट्रिप नहीं कर रहा था क्योंकि गैस कम थी। जब एसी सिस्टम में गैस कम होगी ना तो आपका कंप्रेसर जो है ना काफ़ी देर चलने के बाद ना वो फिर कूलिंग जो है ना वो अंदर कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगर गैस आपकी गाड़ी के अंदर एग्जैक्ट होगी ना, मतलब कि प्रॉपरली चार्ज होगी, तो आपका जो कंप्रेसर है ना वो टाइम पर ट्रिप कर जाएगा। तो ऐसे फिर कंप्रेसर जो है ना वो वीक भी बहुत कम होता है। अगर कोई कंप्रेसर चलता रहता है ना, वो ट्रिप भी नहीं करता, तो कंप्रेसर जो है ना वो जल्दी छुट्टी कर जाता है, वीक हो जाता है। तो अभी हमने इसको सिलेंडर भी लगा दिया है, ठीक है। अभी जो है ना हम इसमें एसी का बटन ऑन करवाते हैं, एसी ऑन करो यार उसको बोलो, तो इसमें गैस चार्ज करते हैं। ठीक है, जो अभी मतलब कि कंप्रेसर हमारा है ना वो ऑन हो गया है। ब्लोअर की स्पीड अभी भी दो पर है, थोड़े बेल्ट आवाज़ कर रहे हैं, साउंड दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी देर जो गाड़ी ठहरी रही है ना उसके बाद ये साउंड दे रहे हैं। तो अभी जो है ना इसकी इसमें गैस चार्ज करते हैं। जो इसकी नीडल है ये 20 और 25 पर आएगी, जैसे ही 20 पर आएगी हमारा कंप्रेसर है वो ट्रिप कर जाएगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन जो कंप्रेसर है ना, अभी गाड़ी चली है, ये थोड़ी देर चलेगा, 5 से 7 में फिर बताएगा कि ये क्या परफॉर्मेंस देता है। तो अभी गैस जो है ना मैं इसमें मज़ीद चार्ज करता हूँ, फिर लिक्विड वाले गिलास पर भी देखते हैं अभी बबल्स बनना शुरू हो गए हैं कि नहीं। अभी जो है ना इसमें लिक्विड की एक लेयर बन रही है और बड़ा बबल बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं मज़ीद आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ, ठीक है। डायलॉग मारने वाला कोई सीन भी नहीं है,
अभी इसमें हल्की सी और गैस मतलब कि चार्ज करेंगे, जो हमारा कंप्रेसर में एरर था ना, कूलिंग में एरर था, जो वो ओके हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। जो हवा का प्रेशर नहीं था ठीक है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अभी कूलिंग का फिर इसमें गैस चार्ज कर दिया, फिर पूछेंगे भाई से अभी कूलिंग में क्या फ़र्क है। तो अभी जो है ना, मैं इसमें हल्की सी गैस चार्ज करने लगा हूँ, उसके बाद ना हम ये गैस चार्ज करना ना ख़त्म कर देंगे। जितनी एक मैंने आपको गैस बताई थी ना, उतनी एक मैंने चार्ज कर दी है इसमें। और अभी सेक्शन वाले पाइप पर नमी वगैरह आ रही है, और जो फ्रीज़र वाला ड्रेन पाइप है ना, फ्रीज़र वाला, उसकी सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। एयर फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं जो इसकी लो प्रेशर गेज वाली नीडल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो डाउन साइड पे आ रही है ठीक है ना। पहले ये 40-35 पर थी ठीक है ना, पहले 50 पर थी जब मैंने इसमें फर्स्ट गैस चार्ज की है। अभी जो है ये पहले 30 पर थी, अभी आप देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ना डाउन साइड पे आ रही है। जैसे ही ये 25 और 20 पर आएगी ना, एक तो हमें कंप्रेसर की जो परफॉर्मेंस है उसका भी पता चल जाएगा, और जो ये ट्रिपिंग इसकी मतलब कि लॉन्ग ट्रिपिंग थी तो उसका भी मतलब कि हमें आइडिया हो जाएगा। तो जैसे अभी आती है तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। डियर फ्रेंड, ये आप देख सकते हो जो इसकी लीडल है ना, वो 27 पर ना मतलब कि पहुँच चुकी थी। अभी जो है इसके कंप्रेसर जो है ना, वो ट्रिप करेगा ठीक है। कंप्रेसर जो है ना, अभी ट्रिप करनी है कंप्रेसर में। अभी जो है कंप्रेसर ट्रिप कर गया, ये दोबारा चलेगा ठीक है। ये दोबारा चला है कंप्रेसर, और सेक्शन वाले पाइप पर जो है ना, अभी काफ़ी नमी है ठीक है, काफ़ी नमी है माशाल्लाह सेक्शन वाले पाइप पर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, अभी सारा कुछ ओके है। अभी अंदर चलते हैं और जो है ना कूलिंग का पता करते हैं कि ब्लोअर फैन की स्पीड जो है 2 पर है। अभी जो कूलिंग है ना, मुझे तो कूलिंग में काफ़ी सारा फ़र्क लग रहा है ठीक है माशाल्लाह। अभी मार से पूछते हैं कि कैसी कूलिंग है। मार, पहले से कैसी है कूलिंग? पहले से कूलिंग बेहतरीन है, अच्छी है माशाल्लाह, चलो शुक्र है। अभी गर्मी की शिद्दत बहुत है, गर्मी की शिद्दत जैसे मैंने आपको बताया ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अगर मैं अपने ऊपर कैमरा करूँ ना, आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, जो मेरा कमीज़ है, मैं पसीने से ना इस टाइम फुल शराब हो रहा हूँ। और क्या कहते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो भाई की जान, आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने फैमिली मेंबर का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उनके चैनल का, उनकी वीडियो भी देखें और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो छोटे बच्चे हैं, वो खुश हो जाएंगे, जज़ाकल्ला। और हम अभी गाड़ी का रोड टेस्ट भी करेंगे। रोड टेस्ट करने के दौरान हमें ये आइडिया हो जाएगा ना कि जो हमारी गाड़ी है ना, वो ओवर हीट होगी, जो हमारा कंप्रेसर है वो काम ना छोड़ जाता हो। लेकिन इस तरह की सिचुएशन है नहीं, और माशाल्लाह जो कंप्रेसर है ना, वो बढ़िया मतलब के परफॉर्मेंस दे रहा है अभी।